नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 31 दिसंबर है और 2023 का ये आखिरी दिन है और मैं आपके लिए बना रहा हूं 2024 का सबसे लेटेस्ट अपडेटेड कोर्ट मैरिज का वीडियो। आज 31 दिसंबर को अचानक ऐसा हुआ कि 7-8 लोग आ गए और उनका अलग अलग सवाल है कोर्ट मैरिज को लेकर के। मैंने रिक्वेस्ट किया सभी लोगों से कि हम क्यों ना एक साथ वीडियो बना लेते हैं और इस वीडियो में आपके सभी सवालों को कवर कर लेंगे। चूंकि ये वीडियो लंबा होगा और सभी विषय पे 2024 में सबको कोर्ट मैरिज करना है तो इसमें एक एक अपडेट आपको मिल जाएगा। वीडियो बहुत बोरिंग ना हो जाए इसलिए मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है और हर रोज आने वाले 5 दिनों तक ये एक एक पार्ट हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें आपके अगर कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी अगर सवाल होंगे या किसी भी सवाल को लेकर के मन में संशय होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस ये 5 पार्ट जरूर देखिएगा। तो आइए मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ में पार्थ है। पार्थ, आप कहाँ से हो? यूपी से हैं। सर, मेरा नाम अमन है और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो आप? फुटबॉलर, आप कहाँ से हो? सर, मैं अंकुर, मैं नेपाल से हूँ। आप नेपाल से हो? आप? मैं प्रणव, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं। आप कौन है? हिमाचल, आकाश। अच्छा, आकाश बोल रहे हैं। आप मैडम? मैं पायल। अच्छा, आप पायल बोल रही हैं और इधर कुणाल भी हैं। कुणाल, आप? सर, मैं मेरठ से हूँ। अच्छा, कुणाल आप मेरठ से हैं। हाँ जी सर। तो चलिए, आप लोगों को सबसे पहले लीड इंडिया का ऑफिस कैसा लगा? ठीक लगा लीड इंडिया का ऑफिस? सर, बहुत अच्छा लगा सर। आप आए तो यहाँ पे आपको अच्छा फील हुआ? ओके, टीम से मिलके बहुत अच्छा लगा। देखते थे, सुनते थे, देख लिया। ठीक है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई बोले तो माइक अपने हाथ में ले लें, क्योंकि माइक जब लेंगे तो ऑडियो ठीक से आएगा और ठीक से सुनाई देगा हमारे दर्शकों को और आपकी आवाज़ भी लोग सुनेंगे तो बहुत इम्प्रेस होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं, सबसे पहले मेरा सवाल ये है, तो आपका कुछ सवाल था। Yes, sir. आप डॉक्यूमेंट को लेकर के कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, तो क्या आपके मन के सवाल है डॉक्यूमेंट को लेकर के? माइक को पास में रखें सर। मेरा डॉक्यूमेंट से सवाल यह है कि 2024 में कोर्ट मैरिज में वोटर आईडी कार्ड जरूरी होगा क्या? वोटर आईडी जरूरी होता है? मतलब इसके अलावा क्या और भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में वोटर आईडी के अलावा? सर, आधार कार्ड है। हाँ, तो आधार कार्ड और वोटर आईडी होगा तो सही होगा। वोटर आईडी अगर नहीं हो, आधार कार्ड हो, आधार कार्ड के साथ में आपके पास 10वीं की मार्कशीट हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो तो भी आपका काम हो जाता है। दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है, एक आपका आधार कार्ड और दूसरा आपके जन्म का प्रमाण पत्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका पूरा होना चाहिए। Okay, तो आपने केवल वोटर आईडी के बारे में क्यों पूछा? केवल आपके पास वोटर आईडी है क्या? नहीं सर, आधार कार्ड भी था लेकिन अब वोटर आईडी कार्ड ज्यादा जैसे कंपलसरी कर रहे हैं, वोटिंग आने वाली है। ओके, नहीं, वोटिंग का आपके मैरिज से कोई संबंध नहीं है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, लेकिन उससे आपके मैरिज का कोई लेना देना नहीं है। वोटर आईडी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं कहूंगा बनवा लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। और आपकी मैरिज जो है मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पे, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट और 10वीं की मार्कशीट के आधार पे हो जाएगा और आधार कार्ड। मेरे हर डॉक्यूमेंट्स में सर उम्र अलग अलग है। ठीक है, यानी आधार कार्ड में मेरी 22 साल है, मार्कशीट में मेरी 23 साल हो रही है। ठीक है, तो उससे हो जाएगा मेरा? देखिए, कितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो, अगर सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेट ऑफ बर्थ में कुछ डिफरेंस है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में अगर डिफरेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको सभी डॉक्यूमेंट में बालिग होना जरूरी है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स में अगर बालिग है, आपकी एज कंप्लीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, इतना तो याद हो गया वीडियो देख देख के। जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन और है मेरा कि डॉक्यूमेंट्स का लिंक होना जरूरी है नहीं अभी? किस चीज से? आधार से या किसी चीज से? डॉक्यूमेंट का मोबाइल नंबर से लिंक होना नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मोबाइल नंबर से लिंक हो या ना लिंक हो, उस पर किसी भी तरह से कोई ओटीपी नहीं जाता, कोई जरूरत नहीं उसकी। तो इसके अलावा सर मैं जानना चाह रही थी और डॉक्यूमेंट एक बार बता दीजिए, पूरी तरह से क्लियर हो जाए, हम सब वो लेकर आए ताकि कोई दिक्कत ना हो, और सबकी ओरिजिनल कॉपी लानी है। देखिए, ऐसा है, डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट जो नगर निगम से आता है, 10वीं की मार्कशीट हो, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो तो 10वीं की मार्कशीट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अलावा आपका एक एक कोई आईडी प्रूफ, जैसे आपका वोटर आईडी हो सकता है या फिर आपका जो है पैन कार्ड हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है, कोई भी एक एक आईडी पर आप ओरिजिनल लेकर के आपको आना है। एक्चुअली मेरा एक सवाल था। हाँ हाँ,
कि हम जब घर से, मैं और मेरे पार्टनर जब घर से निकल गए थे, बट तो जल्दी जल्दी में निकलते हम डॉक्यूमेंट्स घर पे भूल गए, हमारे पास कोई भी हार्ड कॉपी नहीं है, बट मेरा जो नंबर है आई थिंक वो मेरे आधार कार्ड से और उससे लिंक है, तो मैं उसका क्या आप कुछ सोल्यूशन बता सकते हैं कि मैं कैसे कर सकता? देखो आधार कार्ड तो ओरिजिनल जरूरी है, आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर जेन्युइन है वो डॉक्यूमेंट जी, और आप सच में आप बालिग हो, जेन्युइन डॉक्यूमेंट है तो कोई इश्यू नहीं है उसका, बस कॉपी भी होगा तो काम हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी सर मैंने देखना पड़ेगा अगर मेल पे हो सर मेरी तो? निकालो सॉफ्ट कॉपी जरूरी, अभी तो मैरिज आपको आगे करना है ना? हाँ जी सर। तो मैरिज करना जब भी हो आप अरेंज कर लो इस बीच में, क्योंकि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट से क्या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि कम डॉक्यूमेंट होता है, आप अलग अलग जगह पे इंक्वायरी करते हो, कोई एक मिल जाता है जो बोलता है कि कम डॉक्यूमेंट में आपकी मैरिज करवा देंगे, तो वो बताओ कि कम डॉक्यूमेंट में कैसे करवा देंगे, जब कानून कहता है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं तो कम डॉक्यूमेंट में फर्जी तरीके से कराएंगे, गलत तरीके से कराएंगे, नोटरी पेपर पे कराएंगे, पैसा लेकर के जब इधर उधर होने लगेगा तो आपको सर्टिफिकेट कैसे जेन्युइन मिलेगा आप तो सोचो। तो इसलिए पैसे और किसी चीज पे मत जाओ, बस इस पे जाओ कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। ओके ठीक है, प्रॉपर का मतलब होता है बालिग होने चाहिए जी, कंप्लीट एज होना चाहिए जी। तो सर आपकी कुछ टीम इसमें हमारी मदद कर सकती है हमारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाने में, क्योंकि आज मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखो हमारी टीम इसमें क्या मदद करेगी, डॉक्यूमेंट्स आपके हैं हम कैसे निकलवाएंगे, एक बात बताओ, आपको अपना आधार कार्ड निकलवाना है जाके आधार सेंटर से, और आपको अपने मार्कशीट वगैरह जो आपके ईमेल पे है उसको प्रिंट आउट निकलवाना है और उसके बाद आना है, हम इस पे क्या मदद कर सकते हैं मेरे दोस्त? सर जैसे वो गाइड कर दे थोड़ा सा कि उनको जानकारी हो। हाँ गाइडेंस पूरा मिल जाएगा, गाइडेंस आपको पूरा मिल जाएगा जी। सर मेरा एक सवाल था, जैसे कि मेरा अगर एक डॉक्यूमेंट पे एड्रेस अलग है, हाँ, दूसरे डॉक्यूमेंट पे एड्रेस अलग है, तो सर इसमें कोई मेरी कोर्ट मैरिज में कोई दिक्कत आएगी? बहुत अच्छा सवाल है, एड्रेस जो होता है जो आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा वही मायने रखता है, बाकी और डॉक्यूमेंट में कहीं का भी एड्रेस हो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता जी। सर मेरा सवाल यह था कि अगर जैसे हमारे पास अगर 10वीं की मार्कशीट ना हो, मतलब ऐसे बालिग है लेकिन 10वीं की मार्कशीट हो ही ना, तो उसके लिए क्या दो? तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा ना आपके पास? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है जी सर, तो बर्थ सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, दसवीं का मार्कशीट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनकी क्या शादी नहीं होगी? बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास हो सकता है, वो बनवा सकते हैं, उससे हो जाएगा जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा जो जन्म पत्र है उसमें स्थान अलग है, मतलब कि जब मेरा जन्म हुआ था तो यूपी का है, और अब इस टाइम मेरा जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो दिल्ली का पड़ रहा है। ओके, तो इसके लिए शादी हो सकती है कि नहीं? जन्म प्रमाण पत्र में एड्रेस कुछ और है, जैसे कि आपके साथी ने पूछा, अमन ने पूछा, कोई भी एड्रेस हो जन्म प्रमाण पत्र में या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कोई भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके आधार कार्ड में एड्रेस कहाँ का है, तो आधार कार्ड के एड्रेस से ज्यादा मैटर करता है। जैसे आधार कार्ड में एड्रेस अगर यूपी का है तो वहां पे फीस कम लगता है, तो आधार कार्ड का एड्रेस बहुत मैटर करता है। सर मैं तो यहीं पे रहता हूँ। कहाँ पर? बिलोंग में, नेपाल से करता हूँ सर। अच्छा, कब से रह रहे हो यहाँ पे? सर यहाँ पे 24 साल हो गए सर। 24 साल हो गए, और तुम हो कितने साल के? सर मैं 24 का ही हूँ। अच्छा, यानी बोलो पैदा ही हुए? पैदा ही हुआ सर। ओके ओके ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन था सर जी, जैसे मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, हाँ, तो 2024 में मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट एड करना पड़ेगा? 2024 में आपको नया डॉक्यूमेंट, आप पहले यहाँ का आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है इंडिया का? मेरे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है सर। आधार कार्ड पैन कार्ड है, सिटीजनशिप वोटर आईडी भी बन गया है सर, वो बनवाना है सर। अच्छा, बना नहीं अभी तक? नहीं सर। आपके पेरेंट्स का कुछ है यहाँ पे? सर हाँ उनका है, उनका भी वोटर आईडी कार्ड है दोनों का। अच्छा, दोनों का वोटर आईडी कार्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जो एक इंडियन व्यक्ति के लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से आपकी भी शादी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, शादी आप इंडियन से करना चाहते हो या किसी नेपाली से करना चाहते हो वो डिपेंड करता है। नहीं सर, लड़की हिंदू है सर। लड़की हिंदू है और इंडियन है जी सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आधार कार्ड चाहिए, दोनों का बर्थ प्रूफ चाहिए और कोई एक आईडी प्रूफ चाहिए, हो जाएगा आराम से। ठीक है, मेरा सवाल था कि जैसे मेरा पार्टनर मालदीव से है, हाँ, तो सर उनके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे कोर्ट मैरिज में? जो फॉरेन पार्टनर से शादी करनी होती है तो फॉरेन पार्टनर के केस में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो उनका जो वहाँ का एक कोई आईडी हो, कोई भी एक आईडी जिससे उनका रेजिडेंस पता चलता हो कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। दूसरा, उनका एक वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा होना चाहिए, साथ में एम्बेसी से एनओसी होता है,
उस पर लिखा जाता है कि हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एनओसी बताती है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप शादी कर सकते हो। और मैरिटल स्टेटस भी एक्सप्लेन किया होता है कि आप सिंगल हो या डिवोर्स हो, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, एनओसी, वीजा, पासपोर्ट और एक वहाँ की रेजिडेंस प्रूफ। ओके सर, सर मुझे ना डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना था कि कम से कम डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे जिससे मेरी शादी उस दिन हो सके जब मैं आऊं। कम से कम डॉक्यूमेंट्स अगर आप पूछ रहे हो, देखो आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए जी, और दूसरा आपके बर्थ प्रूफ, कितने साल के हो जी, उसका प्रूफ चाहिए। अब उसका प्रूफ आधार कार्ड से भी हो जाता है वैसे, लेकिन बर्थ प्रूफ जरूरी है। आपके पास में या तो 10वीं की मार्कशीट हो, या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एज के हो। अगर आप एकदम शार्प 18 या 21 पे पहुँचे हुए हो तो साथ में एक दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। ओके समझे, कम से कम डॉक्यूमेंट में इतना चाहिए। सर मेरा एक और सवाल था। हाँ दीजिए, अमन को दीजिए। हाँ कि मेरा जो पार्टनर है हाँ वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती है। अच्छा, तो सर उनके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट लगेंगे कि वही डॉक्यूमेंट, धर्म कुछ भी हो लेकिन डॉक्यूमेंट सेम ही लगते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज आपने देखा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियोस। इसी पार्ट का जो अगला वीडियो है वो हम प्रोटेक्शन पे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।